हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आज के मेरे नए वीडियो में, फिर से राजगीर में, जो मैं आज आया हूँ घूमने के लिए सूरज कुंड। यहाँ पे काफ़ी सारे कुंड हैं यहाँ, लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी गंदगी ज़्यादा है यहाँ पे, और वो गंदगी लेके लोग उसमें कुंड में जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे दो कुंड जो है वो अच्छा है, एक है गणेश कुंड और दूसरा चंद्रमा कुंड, यही दो कुंड है जो नहाने लगे, लेकिन उसमें भी लोग साबुन वगैरह यूज़ करके, मतलब वो भी काफ़ी गंदा रहता है। यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन लोग यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब गलत प्रयोग, इतनी हर जगह गंदगी फैला के रखे, मतलब कहने का काम है। चलिए कोई बात नहीं, इस कुंड को मैं इतना ही दिखाऊँगा क्योंकि उतना मुझे कुछ खास लगा नहीं। तो चलते हैं, हम नेक्स्ट कुछ और दिखाते हैं। हाय दोस्तों, तो मैं पहुंच चुका हूं अभी जापानीज मंदिर, जो कि वेनू वन के पास में ही स्थित है। तो चलिए इस मंदिर को आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों ये था जापानीज मंदिर जो कि आप देख रहे हैं। इसके बाद हम अभी चलते हैं कहीं और, देखते हैं कहाँ पे, जहाँ तक हो सकता है। आज मैं राजगीर के कई जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए अब चलते हैं बाहर। दोस्तों बाकी की जानकारी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप पूरा पढ़ के इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको मतलब मंदिर, म्यूजियम और मतलब पार्क एक साथ देखना है तो आपको जाना चाहिए विरायतन, और अगर आपको कुछ पार्क वगैरह घूमना है, थोड़ा नाव बोटिंग वगैरह करना है, तो आप पांडु पोखर आ सकते हैं, जो कि राजगीर इंटरनेशनल कॉन्वर्सेशन के सामने है। ये देखिए, ये पांडु पोखर, मैं रोड से थोड़ा दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये पूरा पांडु पोखर है। ये है राजगीर, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी लंबा थोड़ा हो गया है इस वीडियो में, लेकिन इसमें काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन लोगों को शायद समझ में नहीं आता है। आज के टाइम में लोगों को मतलब सिर्फ अच्छा व्यूज देखना है, नॉलेज उतना चाहिए नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगे, आपको कुछ जानकारी चाहिए इसमें, तो आप ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों ये है गुरुद्वारा गुरु नानक शीतल कुंड, तो अगर आपको यहाँ पे भी घूमना है तो आप घूम सकते हैं। मैं अंदर इसलिए हर जगह जाके नहीं दिखा रहा हूँ कि अगर मैं अंदर जाने लगा तो शायद मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इसके बारे में सिर्फ बता दूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, ये मखदूम कुंड, जो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी है, वो भी यहाँ पे आके राजगीर में घूम सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ देखने के लिए है। दोस्तों ये है जरा देवी मंदिर, इसके बगल में ही है मुक्ति धाम जो आपको दिख रहा है उधर। तो दोस्तों ये है राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप ये भी जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया है, इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है मुझे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या है।
हाय दोस्तों, मैं अभी पहुंच चुका हूं विश्व शांति स्तूप के आगे, 1 किलोमीटर आगे पड़ता है, 1 किलोमीटर नहीं फिर भी 500 मीटर दूरी में उदयगिरी के रोड पे हूं। ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है यहां पे उदयगिरी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे काफ़ी जगह है घूमने के लिए। अगर आपको यहां पे राजगीर सिर्फ आपको घूमना है तो करीबन नहीं कुछ तो हमको लगता है, अगर अच्छे से घूमना है तो 2 दिन, नहीं तो नॉर्मली आप अगर मेन जगह घूमना चाहते हैं तो पूरा एकदम सुबह आएंगे जल्दी तो आपको 1 दिन घूम सकते हो, वो भी बहुत जगह, ज़्यादा जगह नहीं, मुश्किल से 1-2 जगह ही घूम सकते हैं आप। विश्व शांति स्तूप और राजगीर, अपना राजगीर जो मंदिर है ब्रह्मकुंड जिसमें है, जिसके बारे में मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो उसको आप घूमेंगे तो आपको पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा। वैसे आपको 3-4 दिन मिनिमम तो लगेगा ही अगर आपको घूमना है यहाँ, तो अगर पूरी तरह से एक्सप्लोर करना है तो चलिए, अगर आपको यहाँ घूमना है तो कम से कम 5 दिन तो ज़रूर ही लगेगा। तो चलिए, आपको यहाँ के बारे में काफ़ी चीज़ बता चुका हूँ और जो चीज़ काफ़ी अलग अलग वीडियो भी बना चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तो प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।